पीसीबी पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं काफ़ी अरसे से, तकरीबन 10-10, 20-20 साल से वही चेहरे नज़र आ रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि किसी ने कहा है कि अगर आप एक ही चीज़ें करते रहेंगे, एक ही तरीके से चलते रहेंगे, तो आपको वही मिलेगा जो ऑलरेडी मिल रहा है। तो अब जो नया इन्होंने इंतज़ाम किया है, जो स्ट्रक्चर लाए हैं डोमेस्टिक क्रिकेट से लेके नेशनल एकेडमी को अपसाइड डाउन करके क्वालिटी स्टाफ लाना, ये मेरे ख्याल से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के क्रिकेट में बेहतरी और स्ट्रेंथ आएगी। और ऑब्वियसली एज अ कोच, मैंने जब से पाकिस्तान से क्रिकेट छोड़ी है, मेरी यही कोशिश है कि मैं मुल्क के लिए सर्व करूँ। एज अ क्रिकेटर नहीं सर्व कर सका लंबे अरसे, मगर एज अ कोच मैं चाहता हूँ कि मैं लंबे अरसे पाकिस्तान के लिए सर्व करूँ और अपनी जितनी भी मेरी अंदर स्किल्स है और एबिलिटीज़ हैं और कोचिंग को नॉलेज है, उसको मैं पाकिस्तान में आके लोगों के साथ शेयर करूँ और उसको अफेक्टिव बनाऊँ। ऑब्वियसली इंग्लैंड में मैंने काफ़ी अरसे काम किया, अभी भी कर रहा हूँ, अभी भी मैं जॉबलेस नहीं हूँ। मैं इंग्लैंड में लंकाशायर काउंटी के लिए काम करता हूँ। लास्ट ईयर में वुमेंस टीम का हेड कोच था, जिसपे हमारी टीम ने काउंटी चैंपियनशिप T20 में रनर रही और काउंटी चैंपियनशिप 50 ओवर गेम में हम लोग थर्ड फिनिश किया हमने। इसके अलावा 2 साल से मैं लंकाशायर अंडर 19 का भी बॉयज़ का हेड कोच हूँ और हम दोनों सालों से चैम्पियन हुए अंडर 19 के। एज एन एक्सपीरियंस वाइज आपको पता है कि मेरे पास मेरा जो एक्सपीरियंस है ग्रास रूट लेवल से लेके एलीट लेवल तक, मैंने सारे लेवल पे काम किया है। मैंने अंडर 19, अंडर 11, अंडर 12, अंडर 13, अंडर 15, अंडर 16, अंडर 19 लेवल पे काउंटी के लिए काम किया है। पाकिस्तान में मैंने ग्रेड 2 से लेके ग्रेड 1 और पंजाब पाकिस्तान कप और पाकिस्तान सुपर लीग में एज अ फील्डिंग कोच और एज अ लीडरशिप रोल मैंने बहुत जगह काम किया, जिसमें SSGC लंकाशायर नुमाया है। तो एज एन एक्सपीरियंस वाइज मेरा मैं समझता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस है और मेरे पास इतनी एबिलिटी है कि मैं PCB को के लिए काफ़ी अफेक्टिव बन सकूं। और एज अ क्वालिफिकेशन वाइज भी आई एम वन ऑफ द हाईएस्ट क्वालिफाइड पर्सन इन पाकिस्तान। मैंने मास्टर्स किया है स्पोर्ट्स कोचिंग में यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल लंकाशायर से। मैंने स्पोर्ट्स साइंस में डिग्री भी ली है यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल लंकाशायर से। इसके अलावा मैंने UKCC Level 3 किया हुआ है। Level 4 मैंने स्पेशली क्रिकेट का इस वजह से नहीं किया क्योंकि मैं ऑलरेडी मास्टर्स कर चुका हूँ, तो मुझे जो मेरी जो मास्टर की क्वालिफिकेशन है Level 4 क्वालिफिकेशन से भी एडवांस है। तो मैंने इस वजह से Level 4 क्वालिफिकेशन नहीं किया, हालांकि ECB ने तैयार था मुझे एक्सेप्ट करने के लिए, मगर मैंने नहीं की क्योंकि दैट वुड बी जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। रिसेंटली मुझे क्या केमन आइलैंड ने जो एक वेस्ट इंडीज़ कैरेबियन आइलैंड का एक जज़ीरा है, वर्ल्ड में ICC रैंकिंग में नंबर 45 है वो इस वक्त, तो उन्होंने जॉब एडवर्टाइज़ की थी जिसके लिए मैंने अप्लाई किया। और उनके पार्टनर नॉर्थहैम्पटनशायर काउंटी ने मेरा इंटरव्यू किया, जिसमें उन्होंने मुझे पहले इंटरव्यू में कामयाब करके दूसरे इंटरव्यू में भेजा, जिसका फाइनल इंटरव्यू मुझे केमैन क्रिकेट बोर्ड ने किया है। और उसके बाद उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया। आउट ऑफ 102 एप्लीकेंट्स आई वॉज देयर फर्स्ट बेस्ट चॉइस। तो मेरे पास जॉब ऑफर है। कोरोना वायरस की वजह से थोड़ा सा हम लोग नेगोशिएशन प्रोसेस जो है वो इस वक्त स्टॉल हुआ हुआ है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि कोरोना वायरस के जैसी मसला हल होगा तो मैं केमन आइलैंड को जल्दी ज्वाइन करूंगा। मगर यहाँ पे पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड में मैं कल ही देख रहा था तो बहुत इंटरेस्टिंग वैकेंसीज आई हुई हैं, जिसमें वन ऑफ द बेस्ट रोल जो था हेड ऑफ हाई परफॉर्मेंस सेंटर और हाई परफॉर्मेंस कोचिंग, जिसमें मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ। और मेरी स्पेशलाइजेशन भी टैलेंट आइडेंटिफिकेशन और डेवलपमेंट में है, और मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में तकरीबन 3 साल जो मास्टर्स किया था उसमें टैलेंट आइडेंटिफिकेशन और डेवलपमेंट पे मैंने अपनी थीसिस की थी। बहुत अच्छा पीस ऑफ वर्क मैंने लिखा हुआ है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बारे में ही मैंने वो थीसिस की थी। तो लेट्स सी, देखें, मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं अप्लाई करूँगा ज़रूर जॉब के लिए, क्योंकि मेरा एम जो है वो पाकिस्तान अपने मुल्क के लिए काम करना है। मुझे अपने मुल्क से मोहब्बत है, मेरे वालदैन भी वहाँ रहते हैं, तो मेरे लिए इससे अच्छी और फ़ख्र की बात क्या होगी कि मैं पाकिस्तान का बैज दोबारा पहनूं, और जिसके लिए मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। अब ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर है कि वो मुझे इस काबिल समझते हैं इस जॉब के या नहीं समझते। जैसे आपको पता है कि अंडर 19 के हेड कोच के लिए मैं Last 3 में उनके पास था, एजाज अहमद भाई, सकलैन भाई, और उनके बाद मैं उनका थर्ड कैंडिडेट था। अनलकीली मैं नहीं सिक्योर कर सका डेट, मगर थिंग्स हैपन फॉर द बेस्ट, और मेरे लिए कोई जॉब छोटी नहीं है। एवरी जॉब इज़ अ बिग जॉब, और मैं बड़ा ही फ़ख्र महसूस करूँगा अगर PCB मुझे इस काबिल समझे, और मैं ज़रूर अप्लाई करूँगा। थैंक यू।